और मैं जिगर के चलो क्या हाल चाल होगा तो सब यार बढ़िया हो गए। और यार बढ़िया रहना, अगर यार बढ़िया नहीं हो तो आज के इस वीडियो को देखने बाद फिर से बढ़िया हो जाने वाले, क्योंकि यार आज की इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपकी चहती सीरीज लेके आ चुका हूं फ्री फायर रियल लाइफ गेम प्ले। और गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्रिमिनल भी देखने मिलेगा, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसी के साथ यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और हाँ बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। इसको करने से दो फायदे होंगे, एक तो मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आएगी, साथ ही साथ यार आप लोगों को गिववे मिलेगा। अब गिववे क्या है, कैसे मिलेगा आप लोगों को, ये तीनों काम करने हैं। साथ ही साथ एक कमेंट करना प्यारा सा अपने यूआईडी के साथ, और यार यहाँ पे मैं 5 बंदों को देने वाला हूँ 1000 डायमंड का गिववे। तो गाइस यार हायटो को यार यहाँ पे ग्रैंड मास्टर पुश करना था, और यार यहाँ पे यार वो यार अपने एक दोस्त को बुलाया चुके यार यहाँ पे ग्रीन क्रिमिनल था। और गाइस यार ये ग्रीन क्रिमिनल बड़ा ही कॉमेडियन, और प्लस यार भाई ये ऐसी ऐसी झोगरी करता है, साथ ही साथ इसका मास्क का मेरे को तो वो नहीं समझ में आता है। तो यार ये इनसे कह रहा था भैया कोई ऐसे तगड़े पिलर बुलाओ, लिटरली यार मैं ग्रैंड मास्टर यूट्यूब मतलब चुटकियों में पुश कर लूं, मेरा माइनस होना। तो जो हमारा ग्रीन क्रिमिनल है वो यार यहाँ पे कहता पहले ही वाला इमोट का नुबड़े तब यार यहाँ पे मैं बुलाऊंगा। तो यार हायटो कहता अबे नहीं यार मेरे पास, तो यार वो इसके और ज्यादा मजे लेने लगा कि भाई तू तो नूब है, तू क्या जाएगा यार यहाँ पे ग्रैंड मास्टर। तो हायटो उतनी देर में कहता ठीक है मैं एक बंदे को बुलाता हूँ, ये यार बहुत ही प्रो प्रो बंदों को जानता है और यार ये बुलाएगा। तो ग्रीन क्रिमिनल कहता मेरे से प्रो बंदे किसी की लिस्ट में भी नहीं होंगे। तो यार जो वन पंच मैन वाला बंदा आता है उससे ये हायटो कहता अरे कोई बढ़िया तगड़ा बंदा बुला कि इसकी एकदम चड्डी फट जाए। तो कहता यहाँ पे जो वन पंच मैन वाला बंदा होता वो नूबरो को बुला देता है। नूबरो आप लोग पता है कितना ज्यादा फेमस प्लेयर है भाई, ब्राजील का ये नंबर वन ई स्पोर्ट प्लेयर है। और गाइस यार ये देखते हैं भैया ग्रीन क्रिमिनल की चड्डी खिसक जाती है, वो कहता है यार भाई हम तो इसके सामने बच्चे हैं ठीक है। तो गाइस यार हायटो कहता है रेडी हो जाओ सब लोग, क्योंकि हम लोग यार अभी ग्रैंड मास्टर पोज करने वाले हैं और एक भी माइनस मत लगवाना। और बस गाइस यार इतना कहते हैं हायटो यार यहाँ पे मैच को कर देता है स्टार्ट। और गाइस यार स्टार्ट करते हुए यार यहाँ पे यार भैया दोनों करते हैं इमोट, और देन हम लोगों का यार यहाँ पे मैच स्टार्ट हो जाता है। और यार सभी चारों के चारों प्लेयर यार रिस्पॉन आइलैंड में आ जाते हैं, और यार यहाँ पे हम लोगों को यार भैया हिप हॉप और भी यार यहाँ पे बंदे देखने मिलते हैं। तगड़ी लॉबी यार एकदम आई होती है, बिकॉज यार यहाँ पे ग्रैंड मास्टर वाली लॉबी होती है, तो यार यहाँ पे हल्के फुल्के लॉबी तो आएगी नहीं। जिसको देखिए यार हायटो यार यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डर जाता है कि भैया माइनस हो गया तो यार लग जाएंगे। बट यार यहाँ पे वन पंच मैन वाला बंदा उससे कहता है अरे भाई दिक्कत लेने की कोई जरूरत ही नहीं है कि भैया हमारे साथ नूबरो बाबा है। और गाइस यार यहाँ पे यार जो क्रिमिनल है वो इसके मजे ले रहा होता है कि भैया तेरे तो अभी यार यहाँ पे लगने वाले हैं, क्योंकि यार यहाँ पे देख सकता है हिप हॉप और भैया इतने तगड़े तगड़े बंदे आए हैं, तेरा तो पक्का गारंटी माइनस लगेगा। तो गाइस यार वो यार उसको यार यहाँ पे चिल्लाने लगता है, कहता है चुप रहे तू तो हमेशा निगेटिव बातें करता है। और इसी के साथ यार यहाँ पे हम लोगों को एक डॉग दिख जाता है, आई थिंक ये डॉग ब्लैक पैंथर तो नहीं हमारा, हो भी सकता है ठीक है। जो भी यार जो वन पंच मैन वाला बंदा होता है वो उसके साथ इमोट करता है, और भैया यहाँ पे फायरिंग करने लगता है हिप हॉप बंडल के साथ। और ये जो हिप हॉप वाला बंदा है ये ऐसे ही खड़ा है जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो ठीक है। और गाइस यार यहाँ पे इसी के साथ यार ये लोग पहुंच जाते हैं अपने प्लेन के अंदर, और प्लेन में ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं भैया लैंडिंग कहाँ पे करनी है, बहुत ही सेफ जगह लैंडिंग करो जिससे कि हमें यार लूट भी अच्छी मिल जाए और यार यहाँ पे हम सब लोग यार भूया कर पाए, बिकॉज यार भूया बिना हमारा यार ये प्लस होना नामुमकिन है। तभी सब के सब यार यहाँ पे यार मैप के कॉर्नर में यार यहाँ पे मार्क करते हैं कि भैया हम लोग यार यहाँ पे लैंड हो गए। और यार गाइस यार यहाँ पे मार्क करने के बाद यार सभी एक साथ कर देते हैं हमारे जंप करने के बाद यार यहाँ पे सब यार के पास अपना अपना सर्फबोर्ड आ जाता है, और सर्फबोर्ड में एक सुपरमैन की तरीके है सब यार नीचे जा रहे होते हैं। और यार यहाँ पे यार फिर यार इनका यार यहाँ पे आ जाता है पैराशूट वाली बारी, और गाइस यार यहाँ पे पैराशूट खोल के यार ये सब हो जाते हैं यहाँ पे लैंड। अब देखो यहाँ पे लैंडिंग होते ही हायटो सबसे पहले दौड़ता है, और उसके बाद नूबरो और यार यहाँ पे वन पंच मैन। अब देखो यार यहाँ पे यार जो ग्रीन क्रिमिनल था वो यार यहाँ पे माइनस कराना चाहता था, इस वजह से वो पूरा यार अलग खून जाता कि मैं यार इनका माइनस करा दूंगा ठीक है। और हायटो भी उससे लड़ाई वड़ाई हो जाती है, बट यार यहाँ पे यार इन लोगों को हायटो को दो AWM मिलती है तो वो नूबरो को दे देता, क्योंकि नूबरो यार यहाँ पे डबल AWM का किंग है ठीक है। तो नूबरो कहता बस तुम लोग यार यहाँ पे छुप के बैठो, अभी पूरा स्क्वाड वाइप आउट करके आता है। और यार यहाँ पे नूबरो पहुंच जाता है 1v4 मारने, और उन लोगों को डर भी होता है कहीं ये उतरते ही हम लोगों को मरवाना थे। तो नूबरो जो है यार यहाँ एनिमीज के पहले बंदे को मारता है, बट उसका फेक डैमेज लग रहा होता है जिसकी वजह से वो यार यहाँ पे हंसता है कि भाई ये ग्लिच फायर ही रहेगा। फिर यार वो यार 2 AWM लेके यार यहाँ पे कर देता है रस, 2 यार ग्लू वॉल डालता है और यार यहाँ पे रस कर देता है। उधर यार यहाँ पे हायटो टेंशन में हो जाता है, और भैया वन पंच मैन से कहता है भाई ये कैसा बंदा है यार यहाँ पे डबल AWM लेके रस कर दिया। तो कहता है भाई रुक जाओ देखते जाओ, और नूबरो यार यहाँ पे जाता और पहले बंदे को हेड और दूसरे बंदे को हेड यार यहाँ पे मार देता है। तभी जो तीसरा बंदा है M18 से डैमेज दे देता है, बट यार नूबरो यहाँ पे ग्लू वॉल का कवर ले लेता है और इसको भी यार यहाँ पे 150 का डैमेज दे देता है। अब सामने वाला बंदा यार यहाँ पे ग्लू वॉल डालता है जिसको स्काइलर से नूबरो 4 के यार उसको नॉक कर देता है, और यार यहाँ पे इमोट दिखा रहा होता है। अब यार इनका जो 14 बंदा होता है वो है नूबरो पे यार यहाँ पे एम करने ही वाला होता है, तभी यार नूबरो उसको AWM से जूम करके देख लेता है, वुकोंग को और पेल देता है। बट वुकोंग के पास यार यहाँ पे था भैया यार क्रोनो, जो कि यार यहाँ पे वो ऑन कर देता है। नूबरो कहता है अरे भाई
भाई यार बच्चों का खेल है यार ये तो नुकरो नुको यार यहाँ पे फटाफट तोड़ देता है डबल स्नाइपर का ग्लिच यूज करके और यार यहाँ पे 150 का डैमेज देके पूरे स्क्वाड को वाइप आउट कर देता है। इसी के साथ हमारे हयाटो चच्चा समझ जाते हैं कि नूबरो अखंडा प्रो प्लेयर है। अब गाइस यार इसके यार जो आगे की स्टोरी है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उसमें यार मैं बताऊंगा कि यार भैया इस मैच में भूया किसने करा और यार किसने कितने किल करे और नूबरो चच्चा ने क्या कुछ किया इस गेम के अंदर। तो वीडियो यार नेक्स्ट पार्ट देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाली है, तो यार नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन कॉल पे सेट कर लो। और हाँ यहाँ पे ऐसी यार मस्त और झकास वीडियो आती रहती है जो यार आप लोगों के तन बदन को यार यहाँ पे मस्त मोजी कर देती है। तो चलो मेरे वालों यार मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम बाय बाय भाई।